2:58 पे पूरी पापा डेढ़ बजे मऊ आएगा। वीडियो बना रहे हैं लगा कि मेरे पापा हैं तो चेक कर रहे हैं मम्मी का रखा हुआ है और मम्मी को डांट रहे हैं। यही नहीं बनाओगे तुम? हाँ बस बस चाकू जा रहा। सो मम्मी खा रही हैं दही। शकुन की तरह खाना था। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नवनीतिका व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। हमारी महाकाल की यात्रा स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से, लेकिन 2 घंटे ट्रेन डिले हो गई, 2 नहीं 3 घंटे ट्रेन डिले हो गई। जहां हमें जाना था 11:45 पे, वहां हम अब जा रहे हैं 4:45 पे। मतलब समझिए बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुकी है। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो का, और ऑटो हमें दिख नहीं रही है बिल्कुल भी। ऑटो एकदम सड़क पूरी खाली पड़ी हुई है, तो देखते हैं क्या होता है। फाइनली ऑटो मिल गई है, देख लीजिए। होपफुल इसमें हमारे पापा और भैया हो। हाँ वही लोग हैं, वही लोग हैं, वही लोग हैं। चले चला जा जल्दी जल्दी। तिरंगा मम्मी का छूटना नहीं चाहिए ना मम्मी। खुद बैठे रहोगे? उठो पहले। हाँ मम्मी ये कहाँ से चुरा के लाई है? तो कहाँ से लेके आई है? बच्चों को बेला फुसला के ले ली? 1500 रुपए का है ये। 10 रुपए का है। अच्छा 400 रुपए का है। तो अपना चाहते हो इसको ले चलेंगी। हम सब स्टेशन पहुंच चुके थे, हमें बहुत नींद आ रही थी। मम्मी को आप देख ही सकते हैं, वो योइंग भरते हुए एकदम बैठे हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। फिर जो वेट करते 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 ट्रेन फाइनली फाइनली आ जाती है। फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं। 10 घंटे के लेट से ट्रेन चल रही थी। हाँ सब अपने आपको कैमरे में देखता ही क्यों है? मिरर समझ के ये व्लॉग हो रहा है, मिरर नहीं है। हमने ऐसे ऐसे देखने लगता है लोग। तो 10 घंटे के लेट से हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं वहाँ स्टेशन पे पहुंचते हैं, देखते हैं स्टेशन कैसा है उज्जैन का। चलिए आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। अरे अरे टकर गया, टकर गया। आइए आपको दिखाते हैं उज्जैन का स्टेशन। यस यहाँ पर ठंड बहुत है। ये कुछ इस तरीके से उज्जैन का स्टेशन दिखता है। महादेव के जयकारे के साथ हम सब स्टेशन के बाहर निकलते हैं। और हम लोग को बहुत भूख लगी रहती है, तो हम लोग जाते हैं जहाँ पोहा 10 रुपये, चाय 10 रुपये। फिर मम्मी हमें बताती है कि यहाँ का पोहा बहुत ही फेमस होता है। तो हमने पोहा खाया 10 रुपये में, चाय पिया। इन माई पर्सनल व्यू उज्जैन का जो स्टेशन था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, बहुत ही एवरेज सा स्टेशन था। लेकिन बाहर जो चाय हमने पी थी वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार वाली चाय थी। इफ़ आप जाना तो आप स्टेशन के बाहर के स्टॉल से चाय पीना और पोहा भी खाना, जो कि मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन था। मज़ा आ गया खा के। उसके बाद फिर हम लोग ऑटो वालों को बुक करते हैं। ऑटो वाले जो होते हैं वो होटल वगैरह के बारे में सब जानते रहते हैं, वो अपना खुद से जाते हैं, उनका कमीशन बंधा रहता है। तो वो हमें लेके जाते हैं, हमने पोहा वगैरह खा के फिर हम ऑटो को बुक करके हम अपने होटल की तरफ प्रस्थान करते हैं। सो गाइज हमने इस होटल श्री द्वारिकाधीश को, हमारा जो ऑटो वाला था वो हमें लेके गया और हमने वहाँ पे रूम को बुक किया। हमने काफ़ी सारे होटल्स देखे थे लेकिन हमें सबसे सही यही लगा, क्योंकि हमारी जो टीम थी, जो पूरा एक ग्रुप गया था, हम 14 जन थे। तो हम लोग को जो रूम था वो काफ़ी बड़ा चाहिए था। आप रूम देख सकते हो, ये काफ़ी सुंदर रूम था। AC भी था, 2 पंखे हुए थे, फिर इंडियन वेस्टर्न दोनों तरह का बाथरूम भी था।